कुछ लाख के मकीन और कुछ लाख के अहले इलाका आज जो निकले हुए हैं, ये इंडिया के बुजदिलाना हमलों के जवाब के लिए निकले हुए हैं कि इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ हम न सोए हुए हैं न गाफिल है। हमने सिर्फ दुनिया को ये दिखाना है और हम दिखा भी चुके हैं दुनिया को कि हम एक अमन परस्त कौम है, हम अमन चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ अगर इस हद तक पहुँच गए फिर हम इंडिया को दिखाएँगे कि हम मर्द मोमिन है, हम मुजाहिद है। और इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ हमने पहले भी कुफ्फार को शिकस्त दी, इस मरतबा भी गाय के बच्चों को और उसके बंदों को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़। हमारी इस रैली का मकसद ये, हम इस रैली के थ्रू पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया एक साजिशी मुल्क है। इंडिया ने हमेशा हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत की है। इंडिया ने हमेशा हमारे मुल्क सूबे बलूचिस्तान में ऐसी मुदाखलत की है कि हालात को हमेशा ख़राब करने में इसका पूरा हाथ है। तो हम यूनाइटेड स्टेट को ये बताना चाहते हैं कि एक साजिशी मुल्क है जो मोदी सरकार का जो नाकाम पॉलिसी चल रहा है। हम इस रैली के थ्रू बताना चाहते हैं कि हम आपकी हर नाकाम जो आपकी साजिश है उसका भरपूर मुकाबला करेंगे और उसका भरपूर जवाब देंगे। और इंडिया के आवाम का कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारा रैली में, हमारा मकसद ये है कि आप इस मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपने ही मुल्क में खड़े हो जाओ। एक नाकाम सियासत है इसकी जो जैन मुदाखलत करे हमारे मुल्क में, और ये इसकी इस साजिश की वजह से इंडिया में हालात ख़राब हो जाएंगे।